गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने पहले वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था कि भिन्न क्या है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन, यानी अंश बटे हर इज इक्वल टू भिन्न। ये भिन्न होता है हमारा, जिसमें ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस 6 टाइप्स के होते हैं, 6 प्रकार के भिन्न होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लाइक फ्रैक्शंस यानी कि सम भिन्न। लाइक फ्रैक्शन यानी सम भिन्न, जब आपका डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली संख्या एक जैसी हो। हमें ऊपर यानी न्यूमरेटर से अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, बट वी विल सी ओनली डिनोमिनेटर। हर देखेंगे यदि हमारा हर एक जैसा है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, 3 हो 4 हो 1 हो हमारा 7 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है यदि हमारे सब में डिनोमिनेटर यानी कि हर समान है, तो वो भिन्न हमारी सम भिन्न कहलाती है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। इसी तरह अनलाइक की जब हम बात करेंगे तो इसका वाइस वर्सा, इसका बिल्कुल अपोजिट है। और आप समझ सकते हैं क्या होगा कि ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे की संख्याएं सब अलग अलग होनी चाहिए। देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर सबका चेंज है, अलग अलग है डिनोमिनेटर, हर सबका अलग है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। हर क्योंकि अलग अलग है इसलिए ये विषम भिन्न कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर, यूनिट फ्रैक्शन। और सबसे इजी फ्रैक्शन आपको यही लगेगा क्योंकि इसमें हमें केवल न्यूमरेटर देखना होता है। न्यूमरेटर यानी अंश, ऊपर वाली संख्या देखेंगे और वो क्या होनी चाहिए, वो केवल 1 होनी चाहिए। नीचे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारे पास न्यूमरेटर हमारा 1 होगा, ओनली यहां पर 1 नंबर ही हम काउंट करेंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं, तो वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। यानी कि जब 1 होगा अंश हमारा, तो वो हमारा इकाई भिन्न कहलाएगा। अगले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि अंश हर से हमेशा छोटा होगा। यदि अंश हमारा छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो वो भिन्न हमारी, वो फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर कहलाएगा। जैसे कि इन ऑल दीज यू कैन सी दैट 2 इज स्मॉलर देन 3, 1 इज स्मॉलर देन 5, 3 इज स्मॉलर देन 7 एंड 5 इज स्मॉलर देन 9। यानी कि इन ईच फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, ओके। तो दीज भिन्न फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न में हमें क्या होना चाहिए, उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 2 3 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, 3 हमारा 7 से छोटा है और 5 हमारा 9 से छोटा है, तो ये भिन्न हमारी उचित भिन्न है। इन द नेक्स्ट पार्ट, इन प्रॉपर फ्रैक्शन यू कैन सी इट इज ऑल्सो वाइस वर्सा और अपोजिट ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दीज फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर, हर हमेशा अंश से छोटा होगा, अंश हमारा यहाँ पर बड़ा होगा। देखिए 4/2, 4 इज बिगर देन द डिनोमिनेटर 2, 5 इज बिगर देन द डिनोमिनेटर 3, 17 इज बिगर देन द डिनोमिनेटर 11, 6 एंड 6 इज इक्वल एंड 9 एंड 9 इज इक्वल। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। इफ दिस, इन दिस कंडीशंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, जहां पर हमारा अंश बड़ा होता है और हर हमारा छोटा होता है। नेक्स्ट टू द पार्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड द प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहां पर ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन, नॉट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न और पूर्ण संख्या का मिलन हमारा मिश्रित होता है। एग्जाम्पल 3 होल 1/5, यहाँ पर 3 हमारा होल नंबर है और 1 और 5 1/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 होल नंबर है, 2/7 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 12 इज होल नंबर एंड 2/9 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड दीज आर द टाइप ऑफ फ्रैक्शन एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑन द फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, थैंक यू।